हेलो स्टूडेंट्स, आज के स्टूडेंट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। सो एक्सरसाइज सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1, आंसर इन वन सेंटेंस। आपको आंसर इन वन सेंटेंस लिखना है। तो व्हाट इज बुक कीपिंग, तो आपको बुक कीपिंग का मीनिंग लिखना है। तो यहाँ पर आंसर, बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ सिस्टमेटिक मैनर। रिकॉर्डिंग ऑफ व्हाट, तो रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। वेयर टू रिकॉर्ड, तो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हाउ टू रिकॉर्ड, देन इट इज इन अ सिस्टमेटिक वे। सो व्हाट टू रिकॉर्ड, वेयर टू रिकॉर्ड एंड हाउ टू रिकॉर्ड आपको बुक कीपिंग में लिखना होगा। देन व्हाट इज मीन बाय गुड्स, गुड्स का मीनिंग क्या होता है। तो द टर्म ऑफ गुड्स रिफर्स टू मर्चेंडाइज, कमोडिटीज, आर्टिकल्स ऑफ थिंग्स इन विच अ ट्रेडर ट्रेड्स। इन विच अ ट्रेडर ट्रेड्स। व्हाट इज कैपिटल, तो व्हाट इज कैपिटल, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन टू द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। नाउ व्हाट इज ड्रॉइंग्स, तो द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स और एसेट्स एक्सेट्रा विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस से विड्रॉ कर लिया जाता है, टेकन ओवर कर लिया जाता है बाय द ओनर, ओनर के द्वारा, ऑफ पर्सनल यूज, फॉर By the owner of, for personal use, personal use के लिए टेक ओवर। यहाँ पे आपको for लिखना है कि personal use के लिए टेक ओवर कर लिया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, तो उसे हम बोलते हैं that will be called as drawings, उसे बोला जाएगा drawings। तो आपको यहाँ पे for लिखना है कि for personal use के लिए। यहाँ पे जो goods है वो किस चीज के लिए लिए जाते हैं यूज में, तो पर्सनल यूज के लिए जब यूज में लिए जाते हैं, बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए टेक ओवर कर लिए जाते हैं तो उसे ड्रॉइंग्स बोला जाता है। देन नेक्स्ट वन इज व्हाट इज गुडविल, गुडविल किसे कहते हैं। तो व्हाट इज गुडविल, गुडविल मे बी डिस्क्राइब्ड एज द एग्रीगेट ऑफ दोज इंटेंजिबल, एग्रीगेट ऑफ दोज इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ बिजनेस विच कॉन्ट्रीब्यूट्स। इंटेंजिबल जिसको आप देख नहीं सकते हो, तो जो इंटेंजिबल कॉन्ट्रीब्यूशन है, टोटल इंटेंजिबल कॉन्ट्रीब्यूशन है जो बिजनेस को कॉन्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसके वजह से जो सुपीरियर अर्निंग कैपेसिटी होती है बिजनेस की, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इट्स सुपीरियर अर्निंग कैपेसिटी ओवर अ नॉर्मल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो गुडविल मे बी डिस्क्राइब्ड एज, इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एज द एग्रीगेट ऑफ दोज इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ बिजनेस विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इट्स सुपीरियर अर्निंग कैपेसिटी ओवर अ नॉर्मल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है वो गिव द वन वर्ड, आपको वन वर्ड देना है, मतलब आपको जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो स्टेटमेंट आपको करेक्ट टर्म या वन वर्ड या आपको फ्रेज देना है। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन को कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, तो इसे बुक कीपिंग में रिकॉर्ड किया जाता है। बुक कीपिंग इज द करेक्ट टर्म। अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर, देन इट विल कम कैपिटल। अ पर्सन टू हुम अमाउंट इज पेबल, देन इट विल कम एज क्रेडिटर। एक्सचेंज बिटवीन टू पर्सन, दैट इज ट्रांजेक्शन। देन एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम, इट विल कम एज लॉस। Then a person whose assets are sufficient enough to meet business obligations, business की जो liabilities है, obligations है, उसको pay करने के लिए, pay off करने के लिए जिसके assets sufficient होते हैं, उसे solvent person कहा जाता है। तो that person is known as solvent person। Then bookkeeping is providing all required financial information to the businessman. That is decision making. Bookkeeping is providing all financial information to the businessman for decision making. Now property of any description owned by proprietor. तो any description owned by proprietor, property of any description owned by proprietor, proprietor के द्वारा, तो that is asset. Then assets which remain in the business for only for short time and can be converted into cash very easily, तो उसे current assets बोलते हैं। करंट एसेट्स क्विकली हम उसको लिक्विडेट करके ले सकते हैं, मतलब हम लोग उसको एनकैश करके ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अलाउंस इज गिवन ऑन
कैटलॉग प्राइस ऑफ गुड्स, कैटलॉग प्राइस ऑफ गुड्स मतलब ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन, अलाउंस मीन्स डिस्काउंट, तो विच डिस्काउंट इज गिवन ऑन कैटलॉग प्राइस ऑफ गुड्स, तो ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन ऑन द कैटलॉग प्राइस ऑफ गुड्स. नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन बिलो एंड री राइट द स्टेटमेंट. तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया है सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस, तो सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस इट इज प्रॉफिट, इट इज प्रॉफिट. आपको चार ऑप्शन दिए, उसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करके एंड आपको फिर से स्टेटमेंट रीराइट करना है. देन इन डैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्चुअल कैश रिसिप्ट एंड एक्चुअल कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड. तो इन विच बेसिस, एक्रुअल बेसिस और हाइब्रिड बेसिस और कैश बेसिस और मर्केंटाइल बेसिस, तो इट विल कम एज कैश बेसिस, इन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. नाउ अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम कस्टमर इज नोन एज बेड डेब्ट. द अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल फॉर कस्टमर इज नोन एज बेड डेब्ट. देन द नेक्स्ट वन इज अकाउंट मस्ट बी ऑनेस्टली प्रिपेयर्ड एंड दे मस्ट डिस्क्लोज ऑल मेटेरियल इन्फॉर्मेशन. द ट्रूथफुल इन्फॉर्मेशन इन इज नोन एज डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, वी कॉल इट एज अ डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, वेयर द अकाउंट्स आर ऑनेस्टली प्रिपेयर्ड एंड दे डिस्क्लोज द material information. Now relevant information, a commodity in which a trader deals is known as goods, that is known as goods. A dash means a reputation of the business valued in the terms of money, reputation and goodwill means you can even write what is mean by goodwill, you can even write goodwill means a reputation of the business valued in terms of money. This statement is also correct when you are asked here above, the question was there what is goodwill, for this you could have written, even you can write goodwill is the reputation of the business which can be valued in terms of money, a reputation of a business valued in terms of money. Now next one, according to dash cash flow statements is prepared and presented for the period which the profit and loss account is prepared. So according to AS 13 accounting standard, sorry 3 not 13 3 accounting standard 3, cash flow statement is prepared. Now the immediate recognition of loss is supported by principle of conservatism. Conservatism, immediate recognition of loss is supported by principle of conservatism. Then brief explanation of an entry is called as narration. We have to briefly explain, that is called as narration. An act of exchange of things or services between the two parties is termed as transaction. We call it as a transaction. Now fourth question, state whether the following statements are true or false with reasons. With reasons you have to state. Bookkeeping and accounting are one and the same thing. This statement is not true. This statement is false. Reason, bookkeeping is a part of accounting. Bookkeeping is a part of accounting. Both are not same. It is primary stage in accounting. Bookkeeping is a primary stage in accounting. Now, conservatism means to follow safe side. This statement is true, to follow safe side. As per the conservatism concept, always consider probable means expectable loss and avoid probable profit. Expected profit avoids expected profits, but it considers expected losses. This policy of recording is following safe side while recording business transaction. Every accountant, every businessman should follow this policy, conservatism. Now the double entry system is based on dual aspect concept. So the above statement is true. Above statement is true. How? Reason, concept recognizes the fact that for every debit there is a corresponding credit with the same amount. There will be with the same amount credit and debit balance will be the same. So for the every debit there is a corresponding credit entry, and this is the basis of entire double entry system of bookkeeping. Now bank overdraft is an asset of business. This statement is false because bank overdraft is a liability. Overdraft means it is a short type of loan, quick short term loan given to the businessmen, those who all open their current accounts in the bank. So the bank overdraft facilities given to the current account holders, and current account holders, who is having current account businessman have
तो बैंक ओवर ड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंड ओवरड्रॉन अमाउंट मीन्स ओवरड्रॉन अमाउंट इज पेबल बाय द बैंक टू द बैंक बाय द बिजनेस पेबल बाय बिजनेस टू द बैंक which is whichever amount is overdrawn means the businessman have taken from the bank that has to be given to the bank. Now solvent person is a person whose assets are more than his liabilities. Above statement is true. Here reason assets are properties owned by the assets are the property owned by the businessman and liabilities are his debts. Actually, it is for the it is of business, business properties and business liabilities. So, as per the definition of solvent, a person can be solvent person when person's assets are more than its liabilities. Now, cash discount does not appear in the books of accounts. Above statement is false because cash discount appears in the books of accounts. Cash discount is the concession given for encouraging. It is the concession given for encouraging. The prompt payment, मतलब for the quick payment, when one party makes quick payment, cash payment, then it is cash discount is given, the concession is given to that party. So it is always recorded in the books of accounts. It is always recorded. Now, a transaction is concerned with money or money's worth. So this statement is true. कैसा? बिकॉज यहाँ पे हर एक ट्रांजेक्शन इसमें जो ट्रांजेक्शन इज कंसर्न विद द टर्म ट्रांजेक्शन का मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पार्टी टू पर्सन और टू पर्सन और पार्टीज फॉर मनी और मनी इज वर्थ सो ऑल्सो अ ट्रांजेक्शन इज कंसर्न विद मनी और मनी इज वर्थ अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस सो दिस अबाउट स्टेटमेंट इज ट्रू अकाउंटिंग मीन्स हाउ यू रिकॉर्ड or analyze the business transaction to various parties interested or connected with the business. Now, in civilization, accounting was done by owners. Above statement is false. During evolution of accounting in earlier times of civilization, accounting was done by agents. It was done by agents. Who manage the property of wealthy rich people who manage the property of rich people आपने मुनीम जी करके मूवीज में देखा होगा ना मुनीम जी के पास बही खाते होते हैं तो दे यूज टू कीप द रिकॉर्ड्स एज अ एजेंट एजेंट्स हु मैनेज द प्रॉपर्टी ऑफ वेल्दी एंड रिच पीपल नाउ बुक कीपिंग इज यूजफुल टू फाइंड आउट ऑल टैक्स लायबिलिटीज अबाउ स्टेटमेंट इज ट्रू बुक कीपिंग मीन्स अकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन अ सिस्टमेटिक वे हैंस बुक कीपिंग इज यूजफुल टू फाइंड आउट ऑल टैक्स लायबिलिटीज नाउ नेक्स्ट इज डू यू अग्री और डिसअग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट ओनली यू हैव टू राइट अग्री और डिसअग्री यू डोंट हैव टू गिव रीजन फॉर दिस अकाउंटिंग इज यूजफुल ओनली टू द ओनर No, disagree because it is useful to the government, it is useful to the creditors, it is useful for the tax department, it is useful to the creditors, right? Bookkeeping is an art, science and profession, agree. Then, bills payable is an asset of the business, disagree. In bookkeeping and accountancy, only non-monetary transactions are recorded, disagree. Totaling of journal or ledger is called casting, agree. Now, complete the following statements. You have to complete the following statements. Means the blank will be given to you. You have to complete the blank. Revenue arising as a result of business transaction is known as income. Revenue arising as a result of business transaction is known as income. Excess of gross profit over operating expenses is operating profit. Excess of gross profit over operating expenses is operating profit. An expenditure which is basically revenue in nature but benefit of which is not exhausted within 1 year. The benefit of which will not exhaust within 1 year is called as deferred revenue. The amount deducted by the seller from the list price of goods at the time of sale is trade discount. The amount deducted by the seller from the list price of catalog price, list price, one and the same catalog price, list price of the goods at the time of sale is trade discount. Now, a person to whom business owes money for the goods or services is known as creditor. A person to whom the business owes money for the goods and services is known as creditor.
So with this we have completed chapter number 1 exercise and soon we will begin with the chapter number 2. So I hope your all the doubts might have cleared. Like, share and subscribe. Thank you very much. God bless you all, dear students.